हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हैं आप सब? आज का जो टॉपिक है वो है डीडी प्लस बी की वैकेंसी का। वैसे आप सबने ये नोटिस देख लिया होगा, 27 को आपका वैकेंसी का नोटिस आया था। पीजीटी की वैकेंसी पहले आई थी काफ़ी सारी, उसके बाद फिर से एक नया नोटिस आया जिसमें और काफ़ी वैकेंसी आई हैं, उर्दू की, संस्कृत की, और देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी अभी नई आई हैं। सो स्टूडेंट्स को लग रहा था कि एक बार मैं बता दूँ, तो काफ़ी सारे मैसेजेस आने के बाद मुझे लगा एक वीडियो बना देनी चाहिए। बाकी आपने अगर जिन्होंने देख लिया है बहुत अच्छी बात है। डी ट्रिपल्स बी की ओरिजिनल साइट है, ये पोर्टल है, तो इसको खोलने के लिए डी ट्रिपल्स बी की साइट को आपको क्या टाइप करना है, dssb.delhi.gov.in, ठीक है, dssb.delhi.gov.in। जब आप करेंगे टाइप तो आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। और आपको बता देती हूँ फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं, तो फॉर्म भर दीजिए, बहुत आराम से फॉर्म भरिएगा। एक मैं डिटेल वीडियो फॉर्म पे भी बना दूंगी कि आपको कैसे भरना है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे सो आपको ये फॉर्म का जो पोर्टल है वो दिख जाएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये सारे टीजीटी हिंदी फीमेल, टीजीटी हिंदी मेल, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म को अपना भरना स्टार्ट कर देंगे। और बिल्कुल पहली बार आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, कभी डीएसएसबी से आपका कोई आज तक आपने अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। इसमें साइन अपलोड करने हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, अपना फोटो अपलोड करना है, तो एक एक चीज़ जो पिक्सल में दे रखी है उसी में अपलोड करनी है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो उनको मैं बता दूंगी फॉर्म को कैसे भरना है, या मैं खुद से एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत आ रही है कि फॉर्म भरा नहीं जा रहा, साइट बिजी है। तो एक चीज़ और बताती हूँ, साइट रात को 2-3 बजे के बाद फॉर्म भरें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मैंने 4 से 5 बच्चों के फॉर्म भरे हैं और रात में वो मुझे अपनी डिटेल्स सेंड कर देते हैं एंड देन मैंने उनके फॉर्म भर दिए रात के 2-3 बजे, भरे आराम से भरे जाते हैं, रात को फॉर्म भरिए। सो अभी फिलहाल मैं वैसे फॉर्म के बारे में नहीं बताने वाली थी, मैं आपको बताने वाली थी कौन सी एडवर्टाइजमेंट आई है। देख भी चुके होंगे आप, लेकिन मैं फिर भी आपको एक वीडियो बना के अवेयर कर रही हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन सी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जब आप ये पोर्टल खोलेंगे, व्हाट्स न्यू पे जाएंगे, वैकेंसी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/21, ये पहले वाली थी जिसमें टीजीटी के मैथ्स के, आपके मैथ्स मेल, मैथ्स फीमेल और बाकी नेचुरल साइंस, एसएसटी, ये सारी पोस्ट आई थी। अब आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/21 देखने को मिलेगा, तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो अभी इस पर देखते हैं हमारी कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सो मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देती हूँ। तो यहाँ पे 27 को ये नोटिस आया था, आज 28 हो गई है, ठीक है, कल ही आ गया था वैसे ये, आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि दोबारा से कौन कौन से पोस्ट हैं और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट है, मतलब फॉर्म आप भरना स्टार्ट करेंगे 4 जून से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। कोई गलती नहीं करनी, जो पहले वाली एडवर्टाइजमेंट है 02/21 उसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, टीजीटी की ही वैकेंसी थी वो, उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, आप भरने स्टार्ट कर दीजिए। 4 जून से ये वाले भी शुरू हो जाएंगे जितनी ये वाली पोस्ट है, और 3 जुलाई तक आपको पूरा महीना दिया जाएगा फॉर्म को भरने का। लेकिन आप महीने का इंतज़ार मत कीजिएगा कि आप लास्ट के जुलाई के लास्ट के दिनों में आप इस फॉर्म को भरेंगे, स्टार्टिंग में ही भर के अपना निपटा दिया करो। सो ये देखिए, यहाँ पे बंगाली फीमेल की पोस्ट है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, इसकी जो पोस्ट है वो एक ही, सिर्फ एक पोस्ट है। और अगर इसमें बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश मेल और इंग्लिश फीमेल की अच्छी खासी पोस्ट है, इंग्लिश मेल की 1029 और इंग्लिश फीमेल की 961 पोस्ट है। अगर हम बात करें उर्दू की, उर्दू मेल और उर्दू फीमेल की, तो 346 और 571 मेल और फीमेल की उर्दू की पोस्ट है। बात करें संस्कृत की, संस्कृत मेल और संस्कृत फीमेल की, तो ये भी अच्छी खासी पोस्ट है। और संस्कृत वाले बच्चे तो बस अपना गुड लक मानिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज संस्कृत की इस बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई हैं और संस्कृत के बच्चे कम होते हैं। फीमेल लड़कियों की, तो अगर कोई लड़की संस्कृत से है तो वो तो ये मानिए थोड़ी सी मेहनत के बाद ही आपका सिलेक्शन पक्का है। 1159 बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अगर हम डी टी प्लस बी की बात करें तो डी टी प्लस बी इतनी वैकेंसी नहीं देता था, इस बार इन्होंने बहुत वैकेंसी दी हैं, तो संस्कृत के बच्चे वैसे भी बहुत कम होते हैं, कंपटीशन संस्कृत का वैसे भी बहुत कम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी हैं। खूब अच्छे से अगर मेहनत करोगे, ये 6 और 7 पोस्ट वाले पक्का बता रही हूँ, आपका गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल्स का तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, 1159 मोर देन इनफ पोस्ट हैं, और इसमें जो सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं वो बहुत कम मिलते हैं संस्कृत के।
सिमिलर वे में पंजाबी मेल और पंजाबी फीमेल की भी 382 पोस्ट मेल की हैं और 490 ये भी पंजाबी वालों की भी, क्योंकि पंजाबी भी बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं पंजाबी वाले भी, तो उनकी नंबर ऑफ पोस्ट 382 और 492 अपने आप में बहुत ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद बाकी ये जो एडवर्टाइजमेंट की जो डिटेल है वो वैसी ही है जैसा 02/21 में था, ठीक है, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था TGT की, ये 03/21 है, तो जो पहले TGT की मैथ्स की, नेचुरल साइंस की, SST की, सोशल साइंस की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया था, सिमिलर ही है सारी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया। क्वालिफिकेशन आपको पता है TGT की पोस्ट के लिए बैठ रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA ऑनर्स हो सकता है, किसकी बात करें बंगाली की, तो ये सारी क्वालिफिकेशंस आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं 45% इन एग्रीगेट, और उसके बाद ये डिग्री और डिप्लोमा इन टीचिंग, नॉलेज ऑफ हिंदी इज असेंशियल। देखो यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा का क्या मतलब है, डिग्री आपकी जैसे कि ग्रेजुएशन एक डिग्री है, डिप्लोमा इन टीचिंग में डिप्लोमा वाले भी इसमें वैलिड हैं TGT वाले में, और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, और सीटेट इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम CBSE लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि आपको सीटेट सेकंड वाला क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम TGT की पोस्ट को फिल कर दें लेकिन हमारा सीटेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई है, तो आप नहीं भर सकते, TGT में पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए, वैसे इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट ये अंडरस्टूड होता है भाई TGT की पोस्ट जो होती है, TGT का पेपर देने जा रहे हैं, TGT की आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जॉब लेना चाहते हैं तो पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई होना मस्ट है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, ठीक है, नील है एक्सपीरियंस, पे स्केल बहुत अच्छा, एज लिमिट, इनका एज लिमिट का मुझे थोड़ा सा अभी इश्यूज चल रहे हैं, तो देखो अभी कोर्ट केस होगा या क्या होगा, तो एज जो लिमिट है वो बहुत कम दी है इस बार DSSSB ने, below 32, तो ये बहुत कम है, एटलीस्ट गर्ल्स को तो इन्होंने देना ही चाहिए था, तो बाकी देखो इस पर बात करेंगे फिर करेंगे। इंग्लिश की मेल में सिमिलर वे में आपको ये सारी क्वालिफिकेशन जो है सेम वैसी ही है जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो देख लेना, डिटेल में मैंने बता रखा है, इसमें बता रखा है कि इलेक्टिव होता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास इंग्लिश, नेचुरल साइंस, मैथ्स, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए, सेम था वो सारा वहाँ पे भी। और बाकी जिस जिसको क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको क्या होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है आपने, SC ST से हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, और ये तो सेकंड पॉइंट है। उसके बाद सिमिलर वे में आपकी इंग्लिश फीमेल की जो क्वालिफिकेशन है वो सारी सेम है, उर्दू की देख लेंगे, उर्दू मेल उर्दू फीमेल की, और संस्कृत मेल संस्कृत फीमेल की, पंजाबी की, तो यहाँ पे पंजाबी मेल और पंजाबी फीमेल की, ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो है ये जो PDF है, अगर किसी कैंडिडेट को चाहिए तो आप WhatsApp पे मैसेज कर देना, आपको ये वाला PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। फीस जो है पेमेंट के जो सिस्टम की बात करें 100 rupees है मेल के लिए, वुमेन के लिए कोई फी नहीं है, एग्जाम्प्टेड है, और मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता है 1 tier 2 tier एग्जामिनेशन है, और एग्जामिनेशन का जो स्कीम है वो आपको पता है कि फर्स्ट पेपर होता है जिसमें यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट पेपर में सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, और मैथ सेक्शन जिसको हम मैथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और जो पेपर सेक्शन बी है उसमें अपना अपना मेन सब्जेक्ट आता है सभी का, ठीक है जी। रिजर्वेशन बेनिफिट्स आप देख सकते हैं जिस जिसका रिजर्वेशन कोटा में है, जो एज रिलैक्सेशन में SC ST को 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, OBC को 3 साल का, PWD है कोई तो 10 years, PWD के साथ SC ST भी है तो 15 साल, PWD के साथ OBC है तो 13 साल। यहाँ पे गर्ल्स के लिए स्पेशली मेंशन नहीं किया इन्होंने, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बनता है कि अपनी आवाज़ उठाएं, और क्योंकि गर्ल्स की रिलैक्सेशन लेना बहुत ज़रूरी है, 32 एज जो दे रखी है इन्होंने वो बहुत कम है, बाकी उस पर देखेंगे, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं अपडेट ज़रूर करूँगी आपको। और बस बाकी यही इन्फॉर्मेशन था, ज़्यादा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक आई थिंक यहाँ पे मेंशन होगा ड्रेस कोड का, किसी ने पूछा था, नहीं यहाँ मेंशन नहीं, चलो मैं उस पर एक और वीडियो फिर से बना दूँगी। तो बाकी और कोई दिक्कत हो आप इसमें कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन कितना देर का, हाँ आपको बताती हूँ, 9-10 मिनट का वीडियो बन गया है जिसमें मैंने सारा कुछ बता दिया है कि हमारी DSSSB की पहले TGT की जो पोस्ट आई थी उसी में एड ऑन होती हुई और पोस्ट आई हैं, जो DSSSB की 02/21 पोस्ट थी उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, और इस वाली के जो आज मैंने अभी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जिसमें उर्दू की, संस्कृत की, पंजाबी मेल पंजाबी फीमेल ये सारी पोस्ट हैं, इनके 4 को
4 जून से पोर्टल खुल जाएगा, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो वो सबसे पहले बताती हूँ, जो साइट है वो दिन में बिजी रहती है, वर्क नहीं करती। डीटी प्रेस में बहुत बच्चे फॉर्म डालते हैं रात के टाइम 11-12 बजे के बाद, 1 बजे 2 बजे अपना फॉर्म भरिए, एक ही बार में वन टाइम में भरा जाएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म भरे हैं, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, फोटो को स्कैन करने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि वो पूरा रेजोल्यूशन वही मांगता है जो उसके अंदर मेंशन है। रेजोल्यूशन थोड़ा भी 19:20 कम किया आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी, फोटो को साइज रीसाइज करने का ऑप्शन भी उसी में ही है वैसे, अदरवाइज आप कैफ़े पे जाके भरवा सकते हैं, कहीं भी वैसे कैफ़े खुले नहीं हैं, तो आप खुद से ही फॉर्म भरें। फॉर्म भरने वाली समस्या बहुत बड़ी है सभी के साथ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे भरते रहिए, 1 महीना है फॉर्म भरने का। बाकी कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और टीजीटी पीजीटी मैथ्स के बच्चे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन पे टीजीटी पीजीटी की मैथ्स की बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रही है, उसमें पेपर 1 भी इंक्लूड है। और कोई ऐसा बच्चा है जो इस वीडियो को सुन रहा है मैथ्स का नहीं है, मान लो पंजाबी के हो, मान लो उर्दू के हो, संस्कृत के हो, या किसी भी सब्जेक्ट के हो, नेचुरल साइंस के हो, SST के हो, तो पेपर वन जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश हिंदी आता है, वो सेक्शन भी हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है, उसका अलग बैच चल रहा है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे मैथ से हो चाहे नहीं हो। और मैथ से नहीं भी हो तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, नॉन मैथ वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज पेपर वन की अवेलेबल है, पेपर वन के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। मैथ के हो तो मैथ्स का आपका सारा सेक्शन टेस्ट सीरीज के साथ वीडियोज PDFs आपका हर चीज़ सब कुछ पूरा सिलेबस अवेलेबल है, टीजीटी मैथ का और कॉमन सेक्शन का भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बात करेंगे, और जो भी आपको कमेंट करना हो, आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट में सारी दोबारा से आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।